तो देखो गेमिंग जब बात आती है ना तो पोको F6 भी एक नाम आपके सामने आता है। ये वो फोन है स्नैपड्रैगन 8s Gen 3 के साथ में फोन लॉन्च हुआ था। 60 FPS का रिव्यू मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ लेकिन आप लोगों के बहुत कमेंट आए कि भाई इसका 90 FPS का भी टेस्ट करो क्योंकि रिसेंट टाइम में इसकी नई अपडेट की वजह से यहाँ पर BGMI की नई अपडेट की वजह से 90 FPS अनलॉक हो गया। तो स्नैपड्रैगन 8s Gen 3 के साथ में ये फोन 90 FPS में कितना बेहतरीन परफॉर्म करेगा या नहीं करेगा वो सब यहाँ पर आज देखने वाले। बट इनके अगर आपको फिर भी जानना है 60 FPS कैसा चलने वाला है तो उसके लिए चैनल पे वीडियो या समवेयर यहाँ पे कहीं आके देख सकते हो। देखो अभी के टाइम पे इस फोन की प्राइसिंग भी 28,000 के आसपास देखने मिलती है स्टार्ट वाले वेरिएंट को लेकर। अभी यहाँ पर हम लोग ने बहुत सारी टेस्टिंग करने के बाद में फोन को जब ऑन कैमरा शूट के लिए लेकर गए थे ना तो वहां पर हम लोग ने सबसे पहले TDM वगैरह खेल के देख लिया। सेटिंग देख सकते हो 90 FPS वैसे अनलॉक हो चुका है। अभी यहाँ पर जैसे हम लोग ने TDM पर 5 से 10 मिनट बिताए तो उस पर है ना जितना मैंने नोटिस किया तो 90 FPS के अराउंड का एक्सपीरियंस देखने मिल रहा था। तो बेसिकली 90 FPS की गेमिंग TDM के अंदर 15-20 मिनट या हाफ एन आवर भी खेलते हो तो आपको अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाता है। लेकिन अभी जब हम लोग इरांगल्स में अभी देखेंगे कि 90 FPS कितना अच्छा परफॉर्म करता है क्योंकि एनिमी फाइट वगैरह के टाइम पे तब रियल इसकी परफॉर्मेंस पता चलेगी। तो यहाँ पर जैसे हम लोग ने सबसे पहले 15 मिनट का जो गेम प्ले ऑलमोस्ट हो चुका है और जैसे हम लोग ने यहाँ पर देखा है ना सबसे पहले तो ये FPS बहुत ज्यादा इसने डिप करे, मतलब मैंने 51 वाले FPS ड्रॉप देखे थे स्टार्ट के 15 मिनट के अंदर। और एक घंटे गेमिंग करने के बाद भी ये भी पता चलेगा कि बैटरी वगैरह भी कितने यहाँ पर गिरती है इसके अंदर। वैसे फोन गर्म हो गया था ऑलमोस्ट जब पूरी एक घंटे की गेमिंग हो गई थी तो अभी ऑलमोस्ट 20 मिनट चुका है। तो 20 मिनट के अंदर इस फोन ने अभी तक जो FPS दिए हैं, एनिमी आसपास में थे तब वहां पर 82 वाले FPS दे रहा था। अभी देखो ऑलमोस्ट हाफ एन आवर कंप्लीट है और इस हाफ एन आवर के अंदर मैंने जो लोएस्ट FPS देखा है इसके अंदर वो 49 का देखने मिला है। और ये बात मैंने पहले भी कही थी जब ये फोन आया था स्नैपड्रैगन 8s Gen 3 के साथ में 60 FPS पर ही ठीक परफॉर्म कर जाता है ये फोन। और जब मैंने बताया था वहां पर कि भाई ये 90 के लिए उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं रहेगा और आप में से बहुत लोगों ने यही कमेंट किया था कि भाई ऐसे कैसे बोल सकता है एंटीडू बेंचमार्क इतना अच्छा स्कोर निकाल रहा है तो ये इतना अच्छा 90 क्यों नहीं चलाएगा। तो भाई नहीं चल रहा था, आपने देख लिया 49 तक के मतलब FPS देखने मिले। ये तो ऑन कैमरा थे, ऑफ कैमरा जब कंटिन्यूस खेलते 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 पता चला कि यहाँ पर ये FPS सम टाइम 40 तक भी चिपका देता है क्योंकि जब आसपास में लॉबी हैवी हो जाती है बंदे आ जाते हैं तो वहां पर FPS के बहुत ज्यादा झमेले देखने मिलते हैं और डेफिनेटली ये 90 FPS में कैजुअल परफॉर्म कर जाता है।
अभी आप लोग ने पूरा गेम प्ले देखा तो 40 मिनट के अराउंड भी मुझे जो FPS दिखे 70 तक था, फिर 50 मिनट के अराउंड भी जो मुझे FPS सबसे देखने मिले एवरेज में कहूंगा 70 वहां पर देखने में, 70-75 के आसपास कह सकते हो। तो ओवरऑल यहां पर ये फोन उतना स्ट्रॉन्ग परफॉर्म नहीं कर रहा था स्नैपड्रैगन 8s Gen 3 के साथ में 90 FPS को लेकर। अभी यहां पर एक और चीज नोटिस करने वाली बात है, इस फोन पर जब गेमिंग करी थी ना एक घंटे के लिए, पता है बैटरी ड्रॉप कितना हुआ? जो भाई मैंने सबसे ज्यादा अभी तक मेरे हिसाब से 90 FPS पे नोटिस किया रहेगा, 45% का बैटरी ड्रॉप देखने मिला मुझे इस फोन पर, जो कि मेरे हिसाब से काफी ज्यादा है। तो इतना है, ये फोन 60 FPS, पोको F6 60 FPS के लिए ही अच्छा परफॉर्म करेगा। 90 में TDM तक का गेम प्ले ठीक है, इरांगल वगैरह में घुसोगे FPS बहुत ज्यादा चिपक सकते हैं। एनिमी एक टाइम पे ऐसा हो गया था कि बंदा सामने और चिपक गया फ्रेम, और चिपकने के बाद में सडनली फ्रेम ड्रॉप, तो और बंदे ने किल मार के गायब हो गया। तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको 90 के जगह 60 पे खेलना बेटर रहेगा, और ये बात मैंने पहले भी कह दी थी, पर आप में से कुछ लोग थे जो कमेंट कर रहे थे कि भाई ऐसा कैसा कह रहे तू, 90 अच्छा नहीं चलेगा, 90 अच्छा चल जाएगा। भाई इतना साल का एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट हो चुका है, 90 कितना अच्छा किस फोन में किस प्रोसेसर में पता चलेगा, पहले ही पता चल जाता ऑलमोस्ट। तो यहीं पर ये बात रही, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि स्नैपड्रैगन 8s Gen 3 अच्छा 90 नहीं चला रहा है, इस फोन पे अच्छा नहीं चला रहा है। एक और फोन है जिस पर 90 FPS आ चुका है, जो है Realme GT 60, सेम प्रोसेसर आता है, उसका भी टेस्ट हो चुका है, उसकी वीडियो अगर आपको देखनी है तो समवेयर यहाँ पर कहीं मिल जाएगी, एक बार वहां जाके चेक कर लेना कि वो फोन कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और ऐसे ही मस्त तड़कते भड़कते कॉन्टेंट के लिए यार सब्सक्राइब करो गेमिंग पाठशाला को, ऐसी तगड़ी वीडियो आप लोगों के लिए आता रहूंगा। और ये वीडियो आप लोगों के कहने पे ही बनाई है मैंने, आप लोगों से ही पता चला था मुझे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सब्सक्राइब कर लेना और लाइक भी कर देना हो सके तो। चलो टेक केयर, बाय।